सुशांत सिंह राजपूत के निधन के कुछ दिनों बाद एक और भोजपुरी एक्टर अक्षत उत्कर्ष के निधन की खबर आई। उनका शव जो है अंधेरी में उनके घर से मिला था। अब जो है परिवार को उसी समय शक था कि ये आत्महत्या नहीं हत्या का मामला है। हालांकि मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो फाइल की थी अब उसको FIR में तब्दील कर हत्या का मामला दर्ज किया है। परिवार को उसी समय शक था कि जिस संदिग्ध हालत में अक्षत का शव मिला था वो आत्महत्या नहीं हो सकती। उनके साथ उनकी एक महिला मित्र रहती थी, उन्होंने ये कहा कि तौलिए से लटक कर अक्षत ने जान दी। परिवार को शक था कि एक हट्टा कट्टा नौजवान मोटे तौलिए से लटक कर आत्महत्या कैसे कर सकता है। अब परिवार ने इस बात का दावा किया है। विजय चौधरी ने अक्षत की एक महिला दोस्त यानी कि अम्बोली पुलिस के मुताबिक अक्षत के पिता विजय चौधरी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में FIR दर्ज कराई दो महिलाओं के खिलाफ और अब उसको FIR में तब्दील करके भेज दिया गया है मुंबई पुलिस के पास, जिसमें उनकी एक महिला दोस्त और उसकी बहन पर अक्षत की हत्या करने का आरोप है। अक्षत ने उस महिला को से शादी के लिए मना कर दिया था तो उस महिला ने अपनी बहन के साथ मिलकर जो है उस अक्षत की हत्या कर दी। तो ये बात अब सामने आ रही है। सीनियर इंस्पेक्टर सोमेश्वर कामटे ने बिहार पुलिस द्वारा IPC की धारा 302 यानी हत्या और 34 के तहत केस दर्ज कर जांच करने के लिए अम्बोली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। उत्कर्ष का शव 28 तारीख को जो है अपने घर पर मिला था। वो एक निजी कंपनी में काम करते थे लेकिन उनका सपना था एक्टर बनने का और जो है उनको खेसारी की फिल्म, खेसारी लाल यादव की फिल्म जो है लिट्टी चोखा, उसमें भी काम मिला था। तो एक जब अक्षत का निधन हुआ था तभी जो है परिवार ने कहा था कि नहीं, ये हत्या का ही मामला है। और मुंबई जब वो यहाँ पर शव लेने आए थे तब उनकी जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने कहा था मुंबई पुलिस से कि उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है हम आपको बताएंगे करेंगे। हालांकि परिवार ने कहा था वो मराठी में थी, हमें समझ में नहीं आई। उसके बाद बिहार में जाकर उन्होंने FIR दर्ज कराई है जो अब ट्रांसफर हुई है मुंबई में और अब जो है हत्या का मामला अक्षत की डेथ में दर्ज कर लिया गया है।